जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई माह के आखिरी दिन यानी 31 जुलाई के बारे में। 31 जुलाई के दिन बुधवार का दिन है और चतुर्दशी तिथि है। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और सूर्य कर्क राशि में है। और कुंभ राशि के लिए चंद्रमा छठे भाव में है और इसी छठे भाव में सूर्य, बुध और मंगल तीनों ग्रह विराजमान हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 31 जुलाई को महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही बुधादित्य योग भी आपके लिए इस समय बन रहा है, यानी ये जो महीने का लास्ट दिन है ये कई योग इस दिन बन रहे हैं जिनका असर कुंभ राशि के जातकों पर कैसा होने वाला है चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस समय चार चार ग्रहों का जमावड़ा एक ही भाव में हो रहा है जिसकी वजह से सभी अच्छे ग्रहों का एक ही जगह आना थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है लेकिन प्रॉफिट देने वाला भी बन सकता है। परेशानी का कारण इसलिए है क्योंकि इस समय आपको प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य नहीं करना है क्योंकि जो मंगल है वो नीच में आकर बैठे हैं। लेकिन उसके अलावा आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे और हिसाब किताब करने वाले अधिक रहेंगे, यानी आज आप हर चीज़ का हिसाब किताब करने वाले हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को भी ऑब्जर्व करने वाले हैं। जो जातक नौकरी करते हैं उनके लिए ये तरक्की का समय है। महालक्ष्मी योग के बनने से आपके लिए तरक्की का मार्ग खुल सकता है, ऑफिस में प्रशंसा हो सकती है, कलीग्स भी आपका इस समय सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन साथ ही अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होगा वरना आप अपने बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं। इस दिन आपको सिर्फ अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, बाकी आपके काम सभी एक के बाद एक बनते चले जाएंगे। जो जातक विदेश से व्यापार करते हैं या विदेश से किसी तरह का लाभ कमाते हैं उनके लिए आज का दिन विशेष तौर पर लाभदायी रहने वाला है। महालक्ष्मी योग का असर उनके ऊपर सबसे अधिक होने वाला है। इन लोगों को विदेश से काफ़ी प्रॉफिट इस दिन मिल सकता है, आय का नया स्रोत इस दिन मिल सकता है, पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए अच्छे से व्यतीत होने वाला है। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।